राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा श्री क्रिएशंस, आप सबका मेजर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत सुंदर पगड़ी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने लड्डू गोपाल जी के बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसमें देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के बनाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत कम सामान में ये पगड़ी बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। देखिए, इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें इस तरह के फोम पाइप की जरूरत होगी। ये फोम पाइप कई साइज़ में आता है, जैसे 8 mm, 10 mm, 15, 20। हमें जो साइज़ चाहिए वो चाहिए हमें 10 mm का, यानी कि 1 cm का। ये फोम पाइप आपको मार्केट में भी आराम से मिल जाएगा, और अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो ऑनलाइन भी ये पाइप मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसके पीसेस काटने हैं। देखिए, पीसेस हमें किस हिसाब से काटने हैं, जिस साइज़ के भी पगड़ी बनानी है हमें उससे आधा इंच बड़ा फोम का साइज़ रखना है। जैसे हम 5 नंबर की पगड़ी बनाते हैं तो 5 नंबर के लिए हमें 5 इंच लंबा साइज़ रखना होता है। तो इसके लिए हमें 5 इंच की जगह 5.5 इंच लंबा सबसे पहले वाला जो सर्किल है उसका साइज़ रखना है, और उसके बाद की जो साइज़ है वो उससे रखने हमें 1-1 इंच छोटे। जैसे 5.5 के बाद 4.5 इंच, और फिर 3.5 इंच, और फिर 2.5 इंच। 2.5 इंच तक हमें करना है, 2.5 या 2 इंच तक। इससे छोटा हमें सर्किल नहीं काटना है, क्योंकि इससे छोटा सर्किल जो कटेगा वो हमारा राउंड शेप में नहीं आ पाएगा। अब हम इन पीसीस को काट लेंगे, और काटने के बाद अब हमें इसके सर्किल बनाने हैं। देखिए, सर्किल हमें कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम बड़ा वाला पीस लेंगे, इसको हमें इस तरह से राउंड करके ग्लू गन से यहाँ से चिपकाना है। ग्लू गन को लगाते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि ग्लू गन एक तो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, और ग्लू गन लगाने के बाद हमें बहुत टाइट से प्रेस करके हमें दबाकर इसको नहीं बना लगाना है। हल्के से हमें दबाना है फोम को, और हल्के से ही इसको लगाना है, और जब तक बिल्कुल ना सूख जाए तब तक हमें इसको नहीं छोड़ना है। लगभग 1 या 2 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पकड़े रहना है। देखिए, सूख गया है बिल्कुल, और बिल्कुल राउंड शेप में आ गया है। ऐसे हमें बाकी पीसेस को भी कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं। अब हमें इनको किसी लैस से या कपड़े से इसको कवर करना है। अगर आपके पास इस तरह की कोई 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी कोई लैस हो, जैसे ये मेरे पास लैस है, इसकी मैंने एक पगड़ी बनाई है, इसके साथ मैंने गोल्डन कलर का ये टिश्यू लैस लगाकर कंट्रास्ट मैंने ये पगड़ी बनाई है। अगर आपके पास लैस हो तो आप लैस से कवर कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप कपड़े की पट्टियाँ काट कर भी इसको कवर कर सकते हैं। पट्टियाँ हमें ऐसे कपड़े काटनी हैं जिसके धागे ना निकलते हों, जैसे वेलवेट और नेट, इनके धागे नहीं निकलते हैं। पट्टियों की चौड़ाई हमें रखनी है 0.5 इंच, 0.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमें देखिए इसको इसके ऊपर कवर करना है। कैसे करना है देखिए, हमें इस पट्टी में एक साइड ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से अंदर की साइड लगाते हुए इसको चिपका देना है। बस हमें स्टार्टिंग में ग्लू लगाना है, अब हमें इसमें ग्लू नहीं लगाना है, जब लास्ट एंड आएगा तब हमें लगाना है। अब हमें बस इसको इस तरह से लपेटते जाना है, और इसको कवर करते जाना है, बहुत ईजीली हो जाएगा। देखिए, कवर करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना है, और हल्के से ही हमें खींच कर इसको लपेटना है, और ध्यान रहे बीच में हमारी अलबर्ट कहीं नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरा कवर कर लेना है। तो फ्रेंड, बहुत आसान है करना, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पूरा कवर कर लिया है मैंने। अब लास्ट में हमें फिर से इसको अंदर की तरफ यहाँ लाकर हमें कट करना है। जो एंड आ रहा है वो अंदर की तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। बस यहीं पर हमें कट कर फिर इसको यहाँ पर ग्लू से चिपका देना है। देखिए, हमारा सर्किल बनके तैयार हो गया है, और इसी तरह से हमें बाकी सर्कल्स को भी तैयार कर लेना है। देखिए, सारे सर्किल मैं तैयार कर लिए हैं। अब हमें इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर अरेंज करना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। बस इनको अरेंज कर चिपकाने के बाद हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें सबसे बड़े पीस के ऊपर यहाँ सर्किल में ग्लू लगाना है, और फिर उसे छोटे वाले पीस को हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर ग्लू लगाना है, और उसे छोटे वाले पीस को रखना है।
इस तरह से हम चारों पीसेस को अरेंज करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से आई हमारी बन गई है। अब बस इसकी डेकोरेशन रह गई है। देखिए डेकोरेशन के लिए मेरे पास इस तरह की लैस है एक, और एक इस तरह की नग लैस है। इसी को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। देखिए इस वाली लैस को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस लैस को लगाते वक्त ध्यान रखिए कि ग्लू को हमें इस तरह से लगाना है कि हमारा सिर्फ लैस के नीचे ही आए, साइड में ना निकले, क्योंकि साइड में अगर निकलता हुआ होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। बहुत ध्यान से हमें लगाना है, बिल्कुल राउंड शेप में हमारी लैस आनी चाहिए, ऊंची नीची हमारी भागती हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में आनी चाहिए, तभी हमारी पगड़ी सुंदर लगेगी। इस तरह से हमें पूरी लाइन लगा देनी है लैस की। देखिए ये पूरी लाइन लग गई है लैस की, और इस तरह से आई है। अब इस लैस को हम यहाँ पर इस तरह से बीच में लगाएंगे, इस तरह से। देखिए मैंने पूरी लैस लगा दी है पूरे में, और इस तरह से बंद कराई है, बहुत प्यारी लग रही है। अब हमें यहाँ पर सेंटर में लगाना है कुछ। अगर आपके पास मोर पंखी हो तो आप मोर पंखी को इस तरह सेंटर में लगा सकते हैं, इससे भी सुंदर लगेगी। और अगर मोर पंखी ना हो तो आपके पास कोई मोती हो तो मोती को भी यहाँ सेंटर में लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास इस तरह की एक लटकन है, इस लटकन को भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से। अगर आपके पास लटकन ना हो तो आप बिना लटकन के भी इस पगड़ी को बना सकते हैं। मेरे पास है तो मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी। ये वही लटकन है जैसे जो साड़ी वगैरह में, ब्लाउज वगैरह में लगती है, वही मेरे पास रखी थी, उसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। इसको भी हम यहाँ पर ग्लू से चिपका के इस तरह से, और उसके ऊपर मोती को यहाँ पर रख देंगे इस तरह से। और मेरे पास एक ये गोल्डन कलर का छोटा सा मोती है, उसको भी इस वाइट वाले मोती के ऊपर यहाँ सेंटर में रख देंगे, यहाँ सेंटर में चिपका देंगे। इससे भी बहुत सुंदर लग रही है ये। देखिए कितना सुंदर लुक आया है, हमारी पगड़ी भी पूरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैंने ये जो लैस दिखाई थी आपको, उसकी मैंने ये पगड़ी बनाई है। इस तरह से आप किसी भी कलर में आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पगड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।